जब से शहर में लोगों की भीड़ बढ़ी है, तब से मकान मालिक का भाव आसमान को छूने लगा है। मकान मालिक किराएदार को कुछ समझते ही नहीं है। उनका जब मन करता है तब वो किराएदार को मकान खाली करने के लिए बोल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मकान मालिक कभी भी मनमाने ढंग से मकान खाली नहीं करवा सकता है, तो इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई ये शुरू करते हैं। आप जब भी किराए के मकान में रहने जाएं तो रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाएं। इसका फ़ायदा यह होगा कि मकान मालिक कभी भी एग्रीमेंट के टाइम से पहले आपसे मकान खाली नहीं करवा सकता है। मकान मालिक को एग्रीमेंट के सभी शर्तों को हर हाल में पालन करना होता है। मकान मालिक कभी भी मनमाने ढंग से आपसे मकान खाली नहीं करवा सकता है। मकान मालिक को मकान खाली करवाने का उचित कारण बताना होगा। अगर आपने 6 महीने तक का किराया नहीं दिया है तो इस सिचुएशन में मकान मालिक आपसे मकान खाली करवा सकता है। लेकिन मकान मालिक को मकान खाली करवाने के 1 महीने के पहले उसे नोटिस देना होगा। बहुत लोग यह समझ लेते हैं कि वह किसी मकान में लंबे समय तक रहेंगे तो उनका उस मकान पर अधिकार हो जाएगा। दोस्तों यह बात बिल्कुल भी गलत है। किसी भी सूरत में मकान मालिक को यह हक नहीं है कि वह आपसे ज़बरदस्ती करके कुछ गुंडों को बुलाकर आपका सारा सामान रोड पर फेंकवा कर आपसे मकान खाली करवाए। अगर कोई भी मकान मालिक ऐसा करता है तो आपको चाहिए कि आप उस मकान मालिक की शिकायत पुलिस से करें। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आप सीधे कोर्ट में जाएं। ऐसा करने पर मकान मालिक को जेल तक हो सकती है। अगर मकान मालिक आपसे मकान खाली करने के लिए बोलता है और आप मकान खाली करने के लिए कुछ मुहलत मांगते हैं, कुछ समय मांगते हैं, और अगर उस समय के अंदर ही मकान मालिक से आपसे कुछ बहस हो जाती है और आपके घर मौजूदगी में मकान मालिक आपके मकान का ताला तोड़ देता है, तो इस कंडीशन में मकान मालिक को IPC की धारा 380 यानी चोरी के आरोप में 7 साल तक की जेल और फाइन हो सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।